1 अप्रैल 2023 के दिन चेन्नई रेलवे स्टेशन के नेम बोर्ड पर हिंदी में लिखी हुई लाइन के ऊपर से ब्लैक पेंट कर दिया गया। और साउथ स्टेट में ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ है। साउथ स्टेट के काफ़ी लोगों को हिंदी लिखनी नहीं बल्कि बोलनी तक नहीं आती, और उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है। मिलियन हो तुम हिंदी बोलो, तुम अबे क्यों बोलेंगे वो यार, जो वो नहीं करना चाहते। लर्न एनीथिंग बाय इम्पोजिशन? नो मचा, नो, यू कांट इवन लर्न नेशनल लैंग्वेज बाय इम्पोजिशन, राइट? Like for instance, if Hindi can be learned by Tamil Nadu people, then technically Hindi people should be able to learn Tamil, no? Is that possible? Tamil Nadu के former chief minister CN Annadurai को लगता था कि हिंदी भाषा को national language इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में हिंदी language बोलने वालों की majority ज़्यादा है, और उन्होंने एक बार ये तक कह दिया था, if we had to accept the principle of numerical superiority while selecting our national bird, the choice would have fallen not on the peacock but on the common crow. South state में mainly Tamil, Malayalam और Telugu बोली जाती है, जो वहाँ के लोगों की mother tongue है। तो आपको क्या लगता है, आखिर गलती किसकी है, South Indians या government? नहीं, 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 मेरी गलती है।